खुली हुई है, K20, K70 खुली हुई है, V6। बॉयज इसका मीटर ये देखें, क्या बात। Yeah, no love, no love from me. Yeah, I can't. Local engine game, boy. Back lately, getting cash, baby. So don't you act like you been here from day one. Graduated from a sim, turned into a big boss. Now she see me getting rich, cause I'm about to take off. Yeah, my life. जी बॉयज अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी आप लोगों का, फिट फाट हैं, ठीक ठाक हैं भाई। आपका एक नए प्रोजेक्ट में बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर, इसकी मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं की और निकल कर दिखाऊंगा कौन सी गाड़ी है। हालात आप देख ही रहे हैं, फुल स्क्रैप टाइप हालत है, पर आपके भाई को टेंशन नहीं है, आपको पता सारी गाड़ियाँ ऐसे ही आती हैं और क्या बन के जाती हैं वो आप लोग देखते हैं हमेशा। तो अभी भाई जा रहा है सर्विस स्टेशन, मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ जो मैंने पहले भी थिंक सोची थी लाइट कम होगी, तो एक ही ब्लॉग बनाऊँ उसके अंदर सारी चीज़ें कवर कर दूँ आज के दिन में। करोला खुली हुई है, K20, K70 खुली हुई है, V6, और ये पीपाई भाई आपका लेके जा रहा है, जिसको लेके जा रहे हैं वॉश करवाने, क्योंकि इसके जो हालात हैं, इसमें मैं कहीं भी गया तो लोग मेरे पे हंसेंगे कि इमरान भाई ये किस चीज़ पर आप घूम रहे हो। तो चलते हैं सबसे पहले सर्विस स्टेशन पर, इसको करवाते हैं वॉश और आप रहे भाई के साथ। आज से कुछ नया सीन होने वाला है, एक ही ब्लॉग में आपको सारी बिल्ड्स भाई दिखाएगा, तो साथ रहें, ब्लॉग को स्किप ना करें, इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो करें projectcars_14 और वीडियो को फैलाएं भाई की। सर्विस स्टेशन गाड़ी कर दी है स्विच ऑफ, चलते हैं बाहर। और ये है यार बिल्ड सराड है, आपको पता है आपके भाई की फेवरेट गाड़ी है पुरानी गाड़ियों के अंदर, और नेकेड ही रखा हुआ है ऐसे आगे से इसको, इसके अंदर जो स्वैप है बिल्ड्स का इंजन है, इसमें स्वैप फेंडर बने हुए, थोड़े से स्पोर्ट्स आपने देख लिया है। वॉश करवाने की रीज़न आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं गाड़ी के, इसको सबसे पहले कराते हैं वॉश, फिर हमने चलना है वर्कशॉप, वहाँ पे जाके आपको सारी गाड़ी दिखाएंगे। कौन सा सामान पड़ा हुआ है, कंप्यूटर है यार ये इसका, पड़ा रहने दो कोई बात नहीं, नीचे बस हवा मार दो आप, तो पूरी चीज़ें इसकी प्रॉपर करवाएंगे। हाँ वॉश करते हैं, वॉश करते हैं, वॉश इसको धुलवाते हैं, गाड़ी को वॉश करवाते हैं और सीधा हम लोग निकलते हैं फिर आगे वर्कशॉप को आपने भाई के साथ। फ़ौरन से उसको वॉश करवाते हैं, आज इसको एग्जॉस्ट भी लगवाना है, वो एग्जॉस्ट आपको उसका टूटा फूटा लग रहा है, इसके लिए एग्जॉस्ट मैंने गाड़ी में रख लिया है, तो एग्जॉस्ट भी लगवाते हैं, सेट वेट करते हैं इसको भी, ईद तक इंशाल्लाह इसको भी हम तैयार करते हैं। इसको पेंट भी होना है बड़ा फिट, सब कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि इसको पेंट कौन सा करें, रेड येलो ग्रीन ब्लू जो भी आप लोग ज़्यादा सजेस्ट करेंगे वो वाला कलर हम। इंटीरियर देख ले जैसे कि कहा था, हो गया ना साफ माशाल्लाह से, और थोड़ा सा भाई ने स्किप भी किया व्लॉग को, स्किप ये हुआ है कि कैमरा में स्विच करता हूँ, पहले चेक कराता हूँ आपको, पावर स्टीयरिंग इसका ऑन करवा लिया मैंने, ये देखें एक हाथ पे ऐसे स्टीयरिंग घूम रहा है इसका पूरा, खड़ी हुई गाड़ी का, और भाई चला गया था यार गाड़ी लगा के नमाज़ पढ़ने, इसका पावर स्टीयरिंग ऑन करवा लिया। अब हम चलते हैं जाके अपनी K20 को देखते हैं, K70 को देखेंगे हम इस तारीख के बाद, तो चलें भाई के साथ ठीक है। खड़ी है अपनी K70 सामने भी आपको नज़र आ जाएगी, मेरे ख्याल से लाइटों साइटों के काम के लिए आई है इधर, ये खड़ी है बस इधर ही आपको जल्दी जल्दी इधर कहीं आगे पीछे नज़र आती रहेगी आपको, आपको नज़र आएगी K20 लेके जा रहा हूँ आपको, अपनी K20 का जो इंजन स्लैप हो रहा था वो दिखाता हूँ आपको ले जाके, उसके बाद हम चलते हैं इफ्तारी करने के, यार इफ्तारी का टाइम हो गया है और आपके भाई की बस हो गई भी है, आगे भाई लाइटें मारे हैं पर पहले हम चले जाते हैं, पहुँचता हूँ मैं वर्कशॉप फिर बताता हूँ आपको। बॉयज पहुँच गया हूँ मैं वर्कशॉप, गाड़ी फुल जाल बनी हुई ऊपर उठी हुई है, और ये आ गया जी हमारा K3 इंजन अंदर, कैसा छोटा सा लग रहा है और फिट सा लग रहा है, पूरा पूरा बैठ गया भाई, मैं लाइट ऑन करता हूँ। अब इसका यहाँ पे पूरा हमने माउंटिंग क्रिएट करना है, ये इसका जेन्युइन है ठीक है, इस साइड का भी इसका जेन्युइन है, अब इसकी पूरी हमने ऑल्ट्रेशन करनी है, इसकी प्लेटें बना के इसके इंजन के पूरे माउंटिंग बनाने हैं, पीछे गियर का माउंटिंग बनाना है, इस ये है टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है ना, कि गाड़ी इंजन बिल्कुल सीधा रख के बिल्कुल ज़ीरो वाइब्रेशन हो, कहीं से राइट लेफ्ट ना हो, ऊपर नीचे ना हो, तो ये काम है अब इसका सारा, इसको करते रहेंगे साथ साथ आप लोगों को गाइड करते रहेंगे, जैसे कि कल आप लोगों ने देख लिया था ये गियर लीवर भी अभी इसका हमने ख़रीदना है, कि कल हमने इसका अपना इंजन निकाल दिया बाहर, आज हमने इसका इंजन ये घुसा दिया है अंदर,
अब इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद हम जो है ना इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, जो वर्किंग करेंगे फिर से हम रोज़ा लगा हुआ भाई को। फिर मैं प्रॉमिस किया था गाड़ी दिखाऊंगा, कई 70 भी दिखा दी, कई 20 भी दिखा दी आपको। अब चलते हैं यार, हम जाके इफ्तारी करते हैं और इफ्तारी के बाद हमारा ख्याल है आप रहे भाई के साथ, रात को करेंगे ये ब्लॉग खत्म। और बताइएगा कमेंट में, ऐसे ही ब्लॉग चाहिए आपको, मैं घर से निकलूँ सारा काम दिखाऊँ, या आपको सबके अलग अलग ब्लॉग चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा मैं अपने भाइयों को एक और फिट सी बिल्ड दिखाता हुआ जाऊँ। अंकल बहुत बड़े ड्राइवर हैं, अंकल की सेंटर गुजर जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्ड जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो है ये वाली बिल्ड यार, वेरी नाइस, दिल को लग रही है गाड़ी, फुल ही क्लास। चलो यार चलें घर को, जाके करें हम इफ्तारी, और इफ्तारी करके फिर मैं आपको मिलता हूँ मेरी जान वर्कशॉप पर। वाइज आपका भाई आगे इफ्तारी के बाद के सीन है ये, देखें जी वायरिंग टेप हो रही है, इसके माउंटिंग्स में आपको दिखा दूँ तो ये देखें जी, ये माउंटिंग इसका बन गया इस साइड का, ये पर लग ऐसे ही रहेगा जैसे जेन्युइन काम है, माशाल्लाह वेरी नाइस। ठीक है अभी दूसरी साइड का भी मैं आपको दिखाता हूँ, भाई ज़रा बिजी है थोड़ा सा काम कर रहे हैं इधर, ये देखें साथ साथ वायरिंग हो रही है, और वो माउंट आपको नज़र आ रहा होगा कैसा क्लीन माउंट बना है, ऑयल डल गया वॉइज इसका, और ये देखें ये बैटरी लगाई हुई है। होप सो इसको स्टार्ट करते हैं अभी आपके लिए, साथ रहें आप। और नीचे से भी देखें जी, नीचे इसका गियर का माउंटिंग बन रहा है, बन गया हुआ है थिंक, तो फिट हो रहा है। अभी नीचे ये भाई निकलते हैं तो फिर घुस के मैं आपको सारा चेक करवाता हूँ। तेरे के तो भाई लगे हुए हैं आपकी गाड़ी के साथ और फुल फास्ट फास्ट काम कर रहे हैं। चलें बैठ के भैया को भी, जैसे कि आपको पता है कि वो रमज़ान है, ठीक है उस दिन मैं शाम को मेरा एक रिव्यू टाइप ब्लॉग था उधर मैं चला गया था, तो काम माशाल्लाह से स्पीड स्पीड से कर रहे हैं, क्योंकि यार ईद के अंदर, ईद की छुट्टियों में 2-3 दिन ही रह गए आपको पता है पीछे, तो इंजन के माउंट्स बन गए दोनों, ठीक है अभी लाइट गई भी मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं सका, दोनों माउंट्स बन गए, थोड़ी सी ऑल्टरेशन हुई है, ज़्यादा ऑल्टरेशन नहीं, पर उनकी शक्ल आपने देख ली ऐसे ही जैसे जेन्युइन होते हैं। बैक का इसका गियर का भी पीछे माउंटिंग बन गया है, वो फिट हो रहा है, ऑयल इसमें डल गया है, गियर ऑयल इंजन ऑयल दोनों अच्छे वाले डल गए, कंप्यूटर वायरिंग हो रही है, और बस उसके बाद करेंगे गाड़ी स्टार्ट। आई थिंक सो ये फर्स्ट K3 होगी 74 करोला मिल, लाइक 10-11 मॉडल का इंजन डला हो 74 के अंदर, तो वो देगी आपको बड़े मज़े के शशके, एवरेज भी देगी शशके भी देगी अलग अलग। तो चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको गाड़ी का क्या क्या काम हो रहा है। ये चेक करें बॉयज सीन ऑन लालगंज में, और ये K70 खड़ी हुई है, ये किसकी है सिविक, मुझे लगा शायद ये कूप है, वो वाली वो नहीं है, ये नहीं ये दो से मूव किया। अच्छा अच्छा जाने दो जान दो। अच्छा बॉयज ये चेक करें, ओके ओके ओके। अच्छा इसकी फ्रंट की शो यार सारी बना दी है, ये चेक करें एसी का काम अभी तक चल रहा है। हाँ जी भाई कितने दिन लगाने और आज इंशाल्लाह। इंटीरियर भी यार सारा पैक कर दिया भाई, मैं दिखाता हूँ लड़के सारे लगे हुए अंदर, अपनी K20 उधर हो रही है सामने, और ये बाहर ही लगी हुई है अपनी K70 भी। फ्रंट की ये हेडलाइट, ये ग्रिल, ये देखें इशारा नया लगाया है, नीचे इसको लिप आएगा बड़ा प्यारा सा करके ना ऐसे, इसी का काम करेंगे लड़के सारे इसका। दूसरी साइड से मैं आके ना आपको इसका इंटीरियर भी चेक करवाता हूँ। फीलिंग आने लगी है ना, उस टाइम वर्कशॉप में खड़ी हुई थी, आपको फील नहीं आ रही होगी उस टाइम। आप चेक करें गाड़ी रोड से कितनी लो है, और आप कहते होंगे हर बार ही यार भाई देर में वीडियो देता है, नेक्स्ट कोशिश करेंगे आपको डे टाइम में इसकी वीडियो दें। ये चेक करें इंटीरियर पे भी काम हो रहा सारा, डैश लग गया, कंसोल लग गया, ये वायरिंग का सारा काम चल रहा, सारी गाड़ियां अभी अंडर प्रोसेस हैं, कोशिश करते हैं इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करें फिर आपको ऑन रोड चेक करें। क्या हाल है भाईजान, ठीक है भाई ने जिसे दिल से काम किया है ना इसको भाई दिल से रखेंगे प्यार से रखेंगे। हैदर भाई कहाँ लग गए थे, निकलने लगा था बहन चौकी ब्रेक डाटा, चलो उधर खड़ी करो मेरे लिए पान लेकर आओ फिर। काम काम इस तरह होता है, पान आएगा तो काम हो जाएगा। सही है यार उन्होंने भी काम उठाया हुआ लंडन में, अभी यार बड़ा प्यारा गाड़ी से आपको पता है, हाथ भी नहीं रखने दे रहे। नहीं नहीं यार गाड़ी पेंट हुई है आपको पता है, फिर दिल पे जाके लगती है, ये हमारे दिल के साथ खेल रहा है भाई ने से दे दे के गाड़ी को। तो चलते हैं यार अपनी K20 को भी देखते हैं अंदर जाके उसका क्या हो रहा है, इसका मीटर चला था बड़ा प्यारा, अभी चलता है दोबारा तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। लाइट आ गई है, अंधेरों की दुनिया से आ गए हैं बाहर, और अब आपको दिखाऊँ फर्दर मैं काम इसका सारा लाइट में, स्पीड एंड स्पीड काम है आज, कोशिश करना है इसको स्टार्ट करना है अपने गाड़ी को।
सर ये वायरिंग भी देखें फुल प्रॉपर हो रही है, पहले टेपिंग हुई है सारी, उसके बाद ऊपर ये सारा इसके पाइप चढ़ाया गया है। और देखते जाएं माउंट्स, आपको अंधेरे में दिखाए थे, अब आपको थोड़ी लाइट में दिखाता हूँ माउंट्स इसके। ये बन गया इसका माउंट इस साइड का, जैसे बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। दूसरी साइड का भी एज इट इज़ ये देखते हैं जी, बिल्कुल जेन्युइन फाउंडेशन के ऊपर थोड़ी थोड़ी ऑल्टरेशन करके ये भी माउंट बनाया है। और वायरिंग का उतार रहा देखें, पहले टेपिंग की है, उसके बाद ऊपर ये सारा प्लास्टिक चढ़ा के इसके बाद दोबारा टेपिंग होगी। वायरिंग से बिल्कुल साफ़ होगी गाड़ी, पूरा होगा आपको साफ नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो बस अभी इसको स्टार्ट करते हैं और आपको फिर चेक करवाते हैं इसका साउंड। 835 भी अभी तक यहीं पर खड़ी हुई है और बस रमज़ान की वजह से आपको पता है कि हर काम ही स्लो हो जाता है, तो ये भी स्लो ही हुई है आजकल। कोशिश करते हैं अब देख लें, एक जगह पर तीन प्रोजेक्ट्स खड़े किए हैं आपके लिए, 820 ठीक है, सॉरी 835, 820 और बार के 70, तीनों एक टाइप की गाड़ियाँ आप लोगों के लिए। तो बस देखते हैं बार के 70 का भी क्या काम हो रहा है, वो भी आपको साथ दिखाते हैं। कल से उसके एसी का काम हो रहा था, एसी का काम ऑलमोस्ट हो गया, उसकी वायरिंग दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, पावर बिल्ड है, मतलब ड्रिफ्ट बिल्ड है, एसी भी ऑन कर रहे हैं। मीटर उसका बड़ा सेट सा चला था, उसी दिखाते हैं आपको। 835 की ब्रेक्स का कुछ काम है वो रहता है, 820 आपके सामने स्टार्ट होने लगी, तो एक जगह पे तीन प्रोजेक्ट्स हैं। तो भाई की वीडियोस को आप फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि भाई आपको ऐसे अच्छे अच्छे काम दिखाता है। बाहर की वायरिंग हो गई थी, अब अंदर का ये इसका कंप्यूटर की वायरिंग हो रही है और बस इसके बाद का स्टेप जो होगा वो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। बाकी K35 कह रहा हूँ, सॉरी K70 का मैं आपको मीटर भी चेक करवाता हूँ। बॉयज़ इसका मीटर ये देखें, क्या बात है। और इसमें ईच एंड एवरिंग फंक्शन जो है ना वो वर्किंग में है इस टाइम, सारे फंक्शन वर्किंग के अंदर हैं। ये देखें मार्केक्स का मीटर है इसके अंदर, अभी यहाँ पे डेक्सचेक इंस्टॉल करेंगे। मार्केक्स का ये कंसोल आ गया है, उसी का गेयर लीवर है और ये पीछे तक ये चक्कर है, कैसा सेक्सी सा कंसोल लग रहा है। बस यार ये भी इसकी एसी की वायरिंग शेयरिंग हो रही है, सारा सेट करते हैं, इसको ऑन करते हैं, इसका फिट सा रिव्यू देंगे आपको लेके जाके किसी फिट से लोकेशन के ऊपर, ठीक है। ये बॉयज लोके इंजन की हमारे ऊपर ही इसका टप है, साथ आपने देख लिया, अभी ऊपर आ रहा, थोड़ा सा इंजन की थोड़ी सेटिंग करेंगे, इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, इसको भी कोशिश करेंगे पीस हमें और साफ़ वाला मिल जाए। और बाकी आपके सामने बस इंशाल्लाह होप सो, इसको कल सुबह जाके इसके लिए हम रेडिएटर का डेंसर वगैरह फाइंड करेंगे। एक इसका ये गाटा है, इसकी थोड़ी ऑल्ट्रेशन करनी है, इसकी ऑयल फिल्टर की भी हमने ऑल्ट्रेशन की है, ठीक है। पाइप आएगा यहाँ से हमारा, आके रेडिएटर को यहाँ पर लगेगा और बस बाकी ये काम इंशाल्लाह हमारे कल के दिन में होंगे। 22-23 चले, 23 चौड़ाई और 17 लंबाई चले। कल सुबह यार अब जाते हैं, इसका रेडिएटर फाइंड कर लेते हैं, मार्केट से मिलेगा जो भी साइज में हो, फुल साइज़ में अच्छा था रेडिएटर का डेंसर दोनों सेट ले लेते हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट तो नहीं करेंगे, अभी स्थल के लिए गाड़ी को लेकर आएंगे, तो देखते हैं अभी और भी काम होता तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो फिर ब्लॉग आज खत्म करते हैं यहीं पर, बाकी काम हम करेंगे कल। यार बिल्कुल लग रही है 870 अभी भी सामने लगे, इसकी अच्छी सी पिक्चर लेते हैं, हमने तो लगाएंगे इसकी पिक्चर क्या आप लोगों को, मुझे पता है 870 बहुत अच्छी लग रही है। बस आज के लिए इतना ही यार, यहाँ पे भाई वीडियो ख़त्म कर रहा है। गाड़ी स्टार्ट इसलिए नहीं की हमने क्योंकि इसका भी रेडिएटर नहीं लगा, पीछे का गुल्ला होता है वो नहीं लगा हुआ, तो छोटी छोटी चीज़ें वो भी मिस हैं, तो वो सुबह भाई आ जाएगा टाइम से, वो सारी चीज़ें वो जाएगा। अभी सर तो हम इसको मार सकते हैं पर फ़ायदा नहीं है, आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग कर रहा है भाई यहीं पे ख़त्म, वीडियो पसंद आई है भाई की बिल्ड्स अच्छी लग रही, तीन बिल्ड एक जगह पे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। From a simp turned into a big boss. Now she see me getting rich 'cause I'm 'bout to take off. Yeah, my life is like a movie. This is only take one. Hey, and I ain't got no time for no one with fake love. Where the love go? I don't know, but I need something.